पहले के जमाने में जब दादी काकी माई हरन के धोती पहिरत पहिरत पुरान हो जाए, साल छह महीना पहिर ले तो के रख दे, फिर दूसर पहिरे। ऐसे जब चार छह साड़ी इकट्ठा हो जाए तो ओके सुई डोरा से सी दे, ओकर कथरी बनावे ओढ़े या बिछावे के काम आवे। हमरे यहाँ कथरी कहती, कहीं कहीं लगदी लोग कहती, कहीं सुजनी कहती, कहीं लेवा कहती। ठंडी में ठीक रहे। कहीं लोग कथरी कहती, कहीं लगदी कहती, कहीं लेवा कहती, कहीं सुजनी कहती। आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको? लेवा। भैया हो तो इसलिए पुरखा पुरनिया लोग गावे तर्ज वही है मास्टर साहब। अरे लेवा तोहार गुनाऊ जानाई, चाहे लेवा कह चाहे कथरी कह, बात एक ही बात। अरे कथरी तोहार गुनाऊ जानाई जे करई गुजारा, कथरी में जे करई गुजारा, कथरी में कथरी तोहार गुनऊ जानई सजे करई गुजारा, कथरी में लड़ी का सयान लोटई पोटई, लड़ी का सयान लोटई पोटई परिवार बेचारा, लड़िका सयान लोटे पोटे परिवार बेचारा, कथरी में बाबूजी इतनी बड़ी सुविधा ना ही रही। पहले धाने का पुअरा जमीन में बिछाई ले और वही कुपर से पतरका लेवा जोन रहा ओके बिछावे, जोन मोटकवा रहा ओके ओढ़ ले। परिवार भर मजे से ठंडी काट लेते रहे, न सर्दी होत रहा न जुकाम होत रहा। आजो ऐसा परिवार है हो चला जाए भैया हो। परिवार भर ओढ़ के बिछाई के पूरा ठंडी बिता ले मजे से, और अब तक जितना ही गद्दा और रजाई के व्यवस्था हो गई बा उतना ही मना इनके कोरोना धरता, और ये सब ऐसा बीमारी चली बा कि एक को घर बाकी न हो, घर तो घर घरे के एक को परानी न बाकी हुई। जितना ही लोगन के सुविधा बा उतना ही इंसान दुविधा में बा। हाथ का हुए जब फ्रिज के पानी पिए थे, जितने सुविधा बा इंसान का उतने इंसान दुविधा में बा। तब के कर गलती बा सुने वाले बाबूजी। लेकिन गीत के अंदर कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे, हम आजाद हिंदुस्तान के आजाद भारत के नागरिक हैं, लेकिन आज भी देश आजाद होने के बावजूद भी आज भी हमारा देश किससे क्या मांगता है। एक छोटी सी गीत, एक देशभक्ति बिरहा आप लोगों ने उधर से सुना, लेकिन एक छोटी सी गीत आपके बीच में प्रस्तुत है बाबूजी, और इसके बाद जैसन आप लोगों की मर्जी रही एक अच्छे सामाजिक गीत, चाहे हास रस चाहे करुण रस जवन आप लोग कही है, छोटी सी गीत हो जाए। अब मास्टर साहब अरे सदियों से धरा ये बलिदानी, और फौजी अपने देश के लिए अपने आप को तत्पर कर दिया, लेकिन परिवार इतना स्वार्थी निकला बाबूजी, लास्ट में उसका निष्कर्ष क्या हुआ? सबको अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ,
तो जीवन में काहे ऐसा काम होबे करे कि बाद में पश्चाताप करे के पड़े। लेकिन कहना है गीत के अंदर, अरे सदियों से धराए बलिदानी, सदियों से धराए बलिदानी, वीरों से जवानी मांग ली, वीरों से जवानी मांग ली, सदियों से धराए बलिदानी, अरे भारत के वीरों से जवानी मांग ली, पूरब पश्चिम दक्षिण कोने, पूरब पश्चिम दक्षिण कोने, फौजी हिंदुस्तानी मांग ली, फौजी हिंदुस्तानी, मांगे ली, पूरब पश्चिम दक्षिण कोने, फौजी हिंदुस्तानी मांगे ली। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा कि भारत देश विश्व गुरु कहा जाता है, और ये विश्व गुरु को केवल इंसान से ही नहीं, प्राकृतिक से भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अरे चांद सूरज से उजियारा देश मांगता है, अरे चांद सूर्य से उजियारा, चांद सूर्य से उजियारा, अंबर से ऊंचाई मांगे, अरे चांद सूरज से उजियारा, अंबर से मांगे ऊंचाई, निर्मल जल झरनों से मांगे, सागर से मांगे गहराई, चिड़ियों से चहक तरुपे मांगे, अंबर से मांगे अमराई। कभी को संकेत करना पड़ा, अरे चिड़ियों से चहक तरु से मांगे, चिड़ियों से चहक तरुपे मांगे, अयंबर से मांगे ऊंचाई, हमारा देश भारत देश सूर्य से रोशनी मांगता है, और भारत में रहने वाले लोगों का हृदय सागर से भी ज्यादा गहरा, और जल से भी ज्यादा, गंगा जी के जल से भी ज्यादा निर्मल अपने देश के प्रति उनका मन होना चाहिए, चाहिए। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा बाबूजी, अरे अपना पहनई खातिर धरती, अपना पहनई खातिर धरती, रंग चूनर धानी मांग ली, रंग चूनर धानी मांग ली, रंग चूनर धानी मांग ली, अपना पहनई खातिर धरती, अपना पहनई खातिर धरती, रंग चूनर धानी मांग ली, रंग चूनर धानी मांग ली, अपना पहनई खातिर धरती, रंग चूनर धानी। भारत के फौजियों से मांगती है कि आपका सीना अपने देश के लिए, देश की सेवा में आपका जीवन सेवा रत्न होना चाहिए, और आपका सर ऊंचा होना चाहिए आसमान से भी ज्यादा, ताकि आपको दुनिया में कोई झुका ना सके। और किसान से मांगता है अपना पहिरे खातिर धरती, रंग चूनर धानी मांगे ले, क्योंकि किसान है तो जवान है, और जवान है तो देश है। अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है, अरे सतियों में नर्मदा सावित्री, सतियों में नर्मदा सावित्री, अरे बिहुलायन सुइया जस सीता, ग्रंथों में मांगे ग्रंथ बाइबल,
संतों में संत सुपज तुलसी कविता में सूर्य कबीरा का अतानी में राजा हरिश चंद्र तानी में राजा हरिश चंद्र मोरा ध्वज तानी मांगली मोरा ध्वज तानी मांगली हमारा देश भारत के वासियों से और क्या मांगता है सतियों में मांगे सती नर्मदा बिहुलायन सुइया जस सीता आ देशवासियों जरा गौर करके सुन लेना इस देश को आजादी दिलाने में जितनी अहम भूमिका हमारे वीर पुरुषों की रही है उतनी ही अहम भूमिका हमारे देश की वीरांगनाओं की रही है सतियों में मांगे सती नर्मदा बिहुलायन सुइया जस सीता ग्रंथों में मांगे ग्रंथ बाइबल रामायण कुरान गीता एक किताब घर में पुस्तकालय में रखा हुआ बाबूजी रामायण और कुरान कभी आपस में नहीं लड़ते और जो आपस में लड़ते हैं वो इनको कभी नहीं पढ़ते इसलिए फर्क तो हमारे और आपके बुद्धि में है ग्रंथ भी हमारा है बाइबल भी हमारी है कुरान भी हमारा है और गीता भी हमारी है और रामायण भी हमारा है भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है और सभी धर्म का वजूद कहां से है इंसान के हृदय की सोच से अगर हमारी सोच अच्छी है तो हमारा धर्म भी अच्छा है बाबूजी इसलिए कभी को संकेत करना पड़ा दानी में राजा हरिश्चंद मोरत ध्वज दानी हम मोरत ध्वज नहीं है हम हरिश्चंद नहीं है लेकिन फिर भी हम अपने नेक नियत और अपने सोच को अपने देश के प्रति समर्पित कर सकते हैं कि हमारी सोच हमारे देश के लिए हमारे राष्ट्र के लिए अच्छी हो अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा अरे लौह पुरुष बल्लभ पटेल पुरुष नहीं लौह पुरुष अरे लौह पुरुष बल्लभ पटेल मांगे इंदिरा नेहरू गांधी भारत के हर एक नर नारी से मांगे कम तरई आबादी अरे पुरुषों के बराबर ही मांगे अरे महिलाओं की भी आजादी अरे नेता में सुभाष चंद्र बोस और नेता में सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत सानी मांगे ली लाला लाजपत सानी मांगे ली सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत सानी मांगेली बाबूजी जलियांवाला बाग इतिहास के पन्नों में उस लड़ाई को स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया गया है उसे हम भूल नहीं सकते जलियांवाला कांड नेता में सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत सानी नेता बहुत हुए तमाम नेता हुए लेकिन देश के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची श्रद्धा से लड़ने वाले आंदोलन को छेड़ने वाले और हमारे देश के लिए देशभक्ति का पाठ पढ़ाने वाले नेता सुभाष चंद्र बोस जैसा नेता नहीं हुआ कोई नहीं हुआ नेता में सुभाष चंद्र बोस और लाला लाजपत सानी मांगेली और आज का माहौल का बजानत नेतवन के चलते देशवा बिगड़ गए बेटवा बिगड़ गई ले बाप से आज सुविधा सब दई देन त का होए बेटवा बिगड़े है आज का माहौल ही बा एक नेता वो थे लेकिन आज के नेता में और तब के नेता में कितना फर्क है नेतवन के चलते देशवा बिगड़ गए बेटवा बिगड़ गई ले बाप से माई के चलते बिटिया बिगड़ गई बहुवर बिगड़ गई सास से
हाँ जब अच्छा बताए तभी तो है। सुनई वाले बाबूजी, तो परिवार में जैसे संस्कार देब जैसे सहूर तू सिखब वैसे सहूर तुहार लड़के बच्चा सीख ही। अब ही भूपेंद्र भैया बताए ना बहुत सारी बात ज्ञान की बातें कि अगर ये संसार में एक अच्छी सास बनना है तो पहले एक अच्छी बहू बनना पड़ेगा, एक अच्छा बाप बने के बाद पहले एक बढ़िया बेटवा बन के दिखाओ। हाँ, बेटा बहुत अच्छा हो। तो जब अपने माई बाप के सेवा तू करे रहब तोहरा लड़कवा देखे कि हाँ हमार बाबू अपने माई बाप के सेवा करत हैं तो वह तोहार सेवा करे करे। और नहीं कहे तू अपने माई बाबू के दुरियाए रह सेवा भाव तो किए नहीं तो हम तोहार काहे करी। तो दाई के परई माई के आगे रखी रखी रहा था बाबूजी। इसलिए कवि को संकेत करना पड़ा कि जैसे ही हम करब अच्छा करब तो बुरा करब तो हम अहिन के मिले दूसरे के न मिले। आखिरी लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे सीताराम हित स्वामी से अरे उर्दू में कहानी मांगेली, इस देश की माय और बहनों से झांसी वाली रानी मांगेली, गीतों में नंदनी से रसील अरे कोमल मृदु पानी मांगेली, कहे खेम राज मंगल किशोर, कहे खेम राज मंगल किशोर से कविता नूरानी सुबह के टाइम में एक छोटी सी गीत ज्यादा समय न लेते हुए 20 से 25 मिनट के सवेरे के टाइम में आप लोग सुन लो।